दोस्तों, कई बार जब आप लॉग इन करते हैं योनो ऐप पर तो आपको कुछ इस तरह का मैसेज दिखाई देता है, फॉर लॉग इन बाय एम पिन प्लीज इनेबल डिवाइस लॉक इन योर डिवाइस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि जो आपका जो मोबाइल है, जो भी हैंडसेट आप यूज़ करते हो, उसमें आपको स्क्रीन लॉक लगाना है। मैंने जो वीडियो बताया उसके अंदर मैंने बताया किस तरीके से आप एंड्रॉयड मोबाइल में स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं और किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आइए हम ये वीडियो देखते हैं कि मैंने अपने डिवाइस में ये जो प्रॉब्लम आ रही थी लॉग इन एम पिन वाली, वो किस तरीके से रिजॉल्व करी। फ्रेंड, जब आप लॉग इन करने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का एरर आते हैं, फॉर लॉग इन बाई एम पिन प्लीज़ इनेबल डिवाइस लॉक इन योर डिवाइस। इसके लिए आप सेटिंग में जाएंगे अपने मोबाइल की, और मोबाइल की सेटिंग में आपको ढूंढना है कि कहाँ पर स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आता है। जैसे स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पर जाऊँगा इनेबल डिसेबल स्क्रीन लॉक वाले ऑप्शन पे, जो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे मैं क्लिक कर दूंगा। इसके बाद सिस्टम मुझसे बोलेगा ऑन ऑफ करना है। जैसे मैं अपने फेस वाला पासवर्ड ऑन करना चाहता हूँ तो मैं उस पर करूँगा, तो ऐड फेस का मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले मुझे पिन यहाँ पर सेट करना होगा। यहाँ पर मैं अपना पिन सेट कर दूँगा, 4 डिजिट का कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर 2022 सेट कर दिया। फिर इसके बाद सिस्टम मुझसे मेरा फेस का फेस लॉक करने के लिए एक बार वो मेरे फेस को स्कैन करेगा। यहाँ पर मैं उसको परमिशन दे सकता हूँ फेस स्कैन करने की। जैसे ही मैं फेस स्कैन कर लूँगा, मेरे सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपका फेस अब प्रॉपरली स्कैन हो चुका है। अब अगली बार आप जब भी मोबाइल खोल सकते हैं तो अपने फेस के ऑप्शन से खोल सकते हैं। आइए हम योनो ऐप पर दोबारा चलते हैं और हम देखते हैं कि अब भी वह वही ऑप्शन देगा। ये देखिए ऑप्शन, योनो ऐप जो पहले प्रॉब्लम दे रहा था, अब यह बिना किसी प्रॉब्लम के खुल जाएगा और डायरेक्टली मुझसे मेरा लॉगिन पासवर्ड मांग लेगा। लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद मेरे सामने योनो ऐप ओपन हो जाएगा नॉर्मल तरीके। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के। धन्यवाद फ्रेंड्स।